दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है और आप एक लंबे अरसे से यूट्यूब पर काम करते आ रहे हैं, आपने 150, 200, किसी किसी भाइयों ने 500 वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, लेकिन फिर भी आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसे ही एक यूट्यूबर है जिसकी कोई वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुई, वो एक लंबे अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं, आपने 150, 200, 500 वीडियोस डाल चुके हैं अपने YouTube चैनल पर, या फिर आप लोग 2-3 सालों से काम कर रहे हैं फिर भी आपकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, देन फ्रेंड्स दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मेरे YouTube चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैंने चैनल शुरू किया था पिछले साल, मतलब 30 मई को मैंने अपना चैनल शुरू किया था। दोस्तों, मैं रेगुलरली 1 या 2 वीडियो अपने चैनल में डालता ही था, तो कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करके रखी थी। फिर भी दोस्तों, 3 महीने हो गए लेकिन फिर भी मेरे चैनल पर कोई भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। लगभग 2, 3, 4, 10, 12, 15 से ऊपर, मतलब 50 से ऊपर तो बढ़ ही नहीं रहे थे मेरे चैनल के व्यूज़। सो फ्रेंड्स, इस बात से मुझे समझ में आया कि यूट्यूब पे केवल हम लोग क्वांटिटी अच्छी दे, क्वालिटी अच्छी दे तो भी कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहा था श्याम रंगीला ने मोदी जी के बारे में, पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर तंज कसते हुए जो मिमिक्री की थी, और दोस्तों उस मिमिक्री की वजह से वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे। जिस पेट्रोल पंप पे उन्होंने वो वीडियो शूट की थी, उस पेट्रोल पंप के मालिक ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, मुझे टॉपिक मिल गया था, उसके बाद मैंने दोस्तों यूट्यूब पे सर्च किया उस टॉपिक पे कोई वीडियो बना है या नहीं। तो दोस्तों, केवल 2 या 3 ही वीडियो उस टॉपिक पे बने थे। तो दोस्तों, मुझे अच्छा खासा एक मतलब टॉपिक मिल गया था, तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए उस पर वीडियो बनाई। सो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो शूट किया श्याम रंगीला जी पे और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। वो तारीख थी 21 फरवरी की, मतलब 15 दिन पहले की। तो दोस्तों, अपलोड करने के 1 घंटे बाद जब मैंने एनालिटिक्स में चेक किया तो उस वीडियो पे लगभग 300 व्यूज आ चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मुझे लगा यार बहुत ही बढ़िया बात हो रही है, क्योंकि मेरे वीडियो पे 50 से ज़्यादा व्यूज कभी आए ही नहीं थे। 10, 12, 15, 20, 50 से ऊपर कभी मैं बढ़ा ही नहीं था, तो 300 व्यू देखते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और उसी दिन रात में, मतलब 10-12 घंटे के बाद में मैंने उस वीडियो को चेक किया एनालिटिक्स में जाकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ। क्यों? क्योंकि 2000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके थे। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अभी तक चल रहा है और उस पर लगभग 60,000 व्यूज़ है और 2500 उस पर लाइक्स है और 400-500 उस पर कमेंट है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं मैंने कैसी बनाई, तो आप ये लिंक दिया है मैंने आई बटन में, इस पर आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन अभी मत देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हमारी रह चुकी है कि वीडियो को वायरल कैसे करें। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया, एक ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढा, उसके ऊपर मैंने मतलब रिसर्च किया। और हाँ, और एक ज़रूरी बात, आप लोगों को टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डालने हैं। आपको रिसर्च करना है किस वीडियो में मतलब कौन कौन से टाइटल और टैग्स लगाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आपका वीडियो रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इस वजह से टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन आपको रिसर्च करके ही डालनी चाहिए। तो उस वीडियो में क्या हुआ, उस वीडियो की वजह से आज मेरे चैनल पे मतलब 2500 के लगभग वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो वीडियो मैंने बनाई है, आपको अगर झूठ लगता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब 60,000 के आसपास व्यू आपको दिखाई देंगे श्याम रंगीला वाली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए, तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक 5-6 हज़ार रुपये वाला एक स्मार्टफोन है और मेरे पास तो माइक भी नहीं है, DSLR की तो बात ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों में केवल एक चीज़ होनी चाहिए, वो है जुनून और कंसिस्टेंसी। यूट्यूब पे आपको अगर फेमस होना है, आपको पैसे कमाने की बात छोड़ो, लेकिन आपको अगर पॉपुलर होना है, अपने चैनल को ग्रो करना है, तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी और क्वालिटी, इन दो बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भीड़ लग गई है यूट्यूबर्स की, इस वजह से यूट्यूब पे ग्रो करना अब इतना आसान नहीं रहा। हम लोग अगर स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होना लगभग इम्पॉसिबल ही है। तो स्मार्ट वर्क मतलब कैसा? तो दोस्तों, आप अपने जो थंबनेल होते हैं वो आप बहुत ज़्यादा कैची बना सकते हैं, और थंबनेल पे आप क्लिक बेट ज़रूर करें। क्लिक बेट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी वीडियो है टेक बे और आप वीडियो डाल दो कॉमेडी का, मतलब थंबनेल पे आप कॉमेडी लगाओ और आपकी वीडियो कुछ अलग ही है, तो इस केस में आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आएगी, ज़रूर आएगी। तो फ्रेंड्स, मतलब अपना ही टॉपिक जो है उसे बड़ा चढ़ा के बोलना, ऐसा थंबनेल आपको बनाना पड़ेगा।
और साथ ही ट्रेंडिंग टॉपिक को भी आपको ढूंढते रहना पड़ेगा। आपका नीच जो भी हो, एजुकेशनल हो, कॉमेडी हो, या फिर जो चाहे आपकी नीच हो, आपको मतलब इनिशियल टाइम में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसका सहारा लेना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अभी तक 2500 घंटे मैंने पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ कि अगले महीने तक मैं मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। तो दोस्तों, आपको भी अगर एलिजिबल होना है, आपको अपना चैनल ग्रो करना है, तो आप 3 बातें अवश्य ध्यान में रखिए। एक तो पहली बात, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना ही है। आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो चलेगा, ओके फ्रेंड्स? आपको ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढना है, लोग आपके इक्विपमेंट को या आपको देखने नहीं आते, आपका जो कंटेंट है वो क्या है वो देखने लोग आते हैं। तो पहली बात आपको समझ में आए कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना है। दूसरी बात, जो थंबनेल है वो बहुत ज़्यादा कैची और क्लिकबेट करके आप बनाइए। और तीसरी बात दोस्तों, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। अगर आप मतलब एक हफ्ते में एक डालते हैं वीडियो, या फिर रोज़ाना डालते हैं, या फिर महीने में एक डालते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके ही रखिए। मैं तो कहूँगा इनिशियल टाइम में आप जब तक 100 वीडियोज अपलोड नहीं करते, आपके YouTube का ग्रो होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो वो किसी के समझ में नहीं आता। तो जहाँ तक मैंने सीखा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मिनिमम 100 वीडियोज़ तो आपको चाहिए ही, अगर आपका मतलब कॉमेडी या टेक पे चैनल नहीं है, दूसरी कोई नीच है तो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप लोगों को टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उसे प्रॉपरली आपको फिल करना चाहिए, और क्रोम में ही जाकर आप वीडियो अपलोड करिए, ताकि आपका मतलब जो रैंक होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही दोस्तों एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल एंड योर फ्यूचर ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक यू। नमस्ते।